जैन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इंतजार था कि ए के टी वी की काउंसलिंग कब से होगी, और काउंसलिंग के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अब तक कर चुका होगा, पक्का सभी लोगों ने कर लिया होगा, और आप लोगों को अब वेट कर रहे होंगे कि चॉइस फिलिंग कब से होने वाली है। तो बीटेक के करने वाले बच्चे जो जेई मेंस के माध्यम से करते हैं, ए के टी वी में जो काउंसलिंग करते हैं, पहली बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो डेट बढ़ी थी वो 17 तारीख तक थी। यहाँ पर देखिए, आप लोग बीटेक वाया जेई मेंस के लिए थी, कब थी, 11 से लेकर के 17 तारीख तक थी आप लोगों के, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस किसके लिए था, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करने के लिए। अब 14 से लेकर के 18 तारीख तक, 14 से लेकर के 18 तारीख तक जो कि बीत चुकी है, उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना था। यहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाना था। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कब से चालू होगी, क्योंकि अब जो ये डेट थी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, जो पहले से 11 से 18 थी, अब वो कब हो चुकी है, वो हो चुकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिस्पांस क्यूरी 11 से लेकर के 20 तारीख तक हो चुकी है, 11 से 20 तक। इसका मतलब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा 20 तारीख तक। अब हम बात करते हैं च्वाइस फिलिंग कब से चालू होगी, तो ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग एंड लॉकिंग चालू हो जाएगा आपका 30/7/2024 से लेकर के 3/8/2024। आपके पास अधिकतम 4 दिन का समय है, इस 4 दिनों के भीतर आप लोगों को च्वाइस फिलिंग कर लेनी है। अपने कॉलेज की लिस्ट जो आप लोगों ने अभी तक बना रखी होगी, अपने रैंक के अकॉर्डिंग वो सारी आपको फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे कब से, 30/7/2024, मतलब आपका ये 30 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी च्वाइस फिलिंग राउंड वन की वहाँ से नहीं होगी, फिर आपको सीधा अलॉटमेंट मिलेगा। सीट अलॉटमेंट कब होगी, उसका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 5 तारीख को। 3 तारीख तक आप रिजल्ट भरेंगे, मतलब च्वाइस फिलिंग करेंगे, और 5 तारीख को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको वो ब्रांच अच्छी लगती है, अगर आपको सीट आपको फ्रीज करनी है कि आपको सीट वही जो अलॉट हुई वही ले लेना है, तब आपको वहाँ पर 20,000 रुपये जमा कर देनी होगी, ठीक है। 20,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। जमा करने के बाद अपनी सीट लॉक कर लेंगे, और उसके बाद आपको जा करके वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने वो जो आपको सीट अलॉट हुई, अगर आपको वो पसंद नहीं, आपको वो ब्रांच नहीं चाहिए, आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप लोग उसको फ्लोट कर देंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे उस सीट को, और आप नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। तो राउंड टू की जो चॉइस फिलिंग चालू होगी वो 8 से लेकर के 10 अगस्त के बीच में हो जाएगी। 2 दिन का समय आपके पास रहेगा। उसके बाद अब इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो कब हो जाएगा, वो आपका 12 तारीख को हो जाएगा, 12 अगस्त 2024 को हो जाएगा। और सेम यहाँ पे भी कंडीशन है, सेम कंडीशन क्या है कि आपको 12 से लेकर के 15 के बीच में आपको सीट कंफर्मेशन के लिए 20,000 रुपये भर देना है। और अब अगर आपने जो फर्स्ट राउंड में सीट आपने कंफर्म करी थी, अगर मान लीजिए कि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे सीट विथड्रॉल करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पे विथड्रॉल भी कर सकते हैं, और आपको 15,000 रुपये रिफंड आ जाएगा, 5,000 रुपये आपका यहाँ पे कट जाएगा। अगर आपको वो सीट नहीं लेनी थी तब भी आपसे वो फ्रीज हो चुकी है, तब के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन AKTU ने कर रखा है काउंसलिंग के टाइम पे। अब हम चलते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 की जो च्वाइस फिलिंग है वो आपकी चालू हो जाएगी 16 से 18 अगस्त के बीच में, ये आपकी च्वाइस फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये होगा आपका लास्ट ऑप्शन जहाँ पे आप अपनी च्वाइसेस को सफल कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि राउंड वन में आपने चेंज किया अपने हिसाब से च्वाइस फिलिंग करी, राउंड टू ने च्वाइस फिलिंग करी, और राउंड थ्री में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद राउंड फोर, राउंड फाइव, राउंड सिक्स, राउंड सेवन, कहीं पर भी आप च्वाइस फिलिंग में ऊपर नीचे आप ब्रांचेस को या फिर कॉलेजेस को नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी सफलिंग नहीं अलाउड है यहाँ पे। अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट जो होगी वो 20 तारीख को हो जाएगी। कैंडिडेट का जो फर्स्ट चॉइस हो जाएगा, जो आपको अलॉट हुई रहेगी, वो आपको यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगी। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि जो आपने पहले एकदम प्रायोरिटी पे रखा होगा वो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगी, जो आपको पहली बार अलॉट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी, और आपको यहाँ पे 10,000 रुपये रिफंड का ऑप्शन रहेगा, जो आपको पहले अलॉट हुई थी, अगर आप सीट को नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इस PDF को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो यहाँ पे आप जाकर के पूछ सकते हैं, 9569181080 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं बिल्कुल आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, और उसके बाद कॉलेज की लिस्ट कैसे प्रायोरिटाइज करनी है, आपको अपनी PDF कैसे बनानी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी हेल्प आपको करी जाएगी लर्निंग डे की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इंटरनल स्लाइडिंग होगी राउंड 5 में, फिर राउंड 6, फिर राउंड 7 तक, किसी किसी कॉलेज में राउंड 6 होता है, किसी किसी कॉलेज में राउंड 7 होता है, नहीं तो राउंड 5 ही आपका लास्ट राउंड होता है। और आशा करता हूँ आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। डेट आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं कि आप लोग की चॉइस फिलिंग जो फर्स्ट राउंड की चालू होगी वो कब होगी, वो आपकी हो जाएगी 30 जुलाई से लेकर के 3 के बीच में होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप लोग ये नहीं करते तो आप लोग आगे वाले राउंड में मौका बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।